हेलो आता चालू झाला हेलो, तीन ओवर का मैच है, फास्ट गेम करें यहाँ पर। 18 गेंदों का गेम है। ऋतिक पास दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, ये थी लॉन्ग की दिशा में मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 2 रन, जो कि बिना विकेट के नुकसान पर अच्छी एक शांत शुरुआत होती हुई माजरोना द्वारा। अवाब गेंदबाजी के ऊपर, अपने घोटे का पहला ओवर, टीम का पहला ओवर लेके अवाब फिर से एक बार। ये गेंद थी, हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गई गेंद। एक रन तो आसानी के साथ मिलेगा, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 3 रन, क्योंकि बिना विकेट के नुकसान पर शांत शुरुआत होती हुई सहाराना माजरोना की शुरुआत। फिर से एक बार एक गेंद थी, अच्छी गेंद थी, अंपायर वाइड बॉल। इस वाइड बॉल के साथ स्कोर जा पूछा 4 रन, ठीक है, बिना विकेट के नुकसान पर। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो, फिर से एक बार डोंगर, हेलो अलीम भाई डोंगर आला इत। फिर से एक बार दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, टू को पार किया, गेंद की शॉट पिच लाइन की, गेंद गेंद को खेला है सीधे 6 रन के लिए, बढ़िया शॉट। 6 रनों के साथ फिर से एक बार दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, विटो को पार किया, गेंद की फिर से एक बार बैक टू बैक दूसरा छक्का, बैक टू बैक दूसरा छक्का जाता हूं। फिर से एक बार दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा, देखना होगा कैच ड्रॉप। एक रन तो मिलेगा, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर जो कि बिना विकेट धमाकेदार शुरुआत। देखना है दूसरी ओवर के लिए कौन आता है। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया, स्कोर है 18। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 18, क्योंकि बिना विकेट के नुकसान पर एक अच्छी शुरुआत। लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है अल्फा के क्रीड़ा नगरी पर, बॉलर्स ने
मोहसिन अपने घोड़े की पहली ओवर टीम की जानी से दूसरी ओवर करेंगे। मोहसिन एक अच्छा मैच होने जा रहा है। फिर से एक बार ये गेंद थी, गेंद को खेला है सीधे, देखना होगा गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन, 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है। इस छक्के के मदद से स्कोर जा पहुंचा 24 रन। क्या बढ़िया बल्लेबाजी जवाद, और फिर से एक बार देखना होगा गेंद सीधे 6 रनों के लिए, बढ़िया शॉट। जवाद अपने जाती स्कोर पर खेल रहे 26 रन बनाकर, क्या अच्छा मैच होगा। फिर से एक बार दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, फिर से एक बार बल्ले का बाहरी किनारा, इसी के साथ देखना होगा और पहला झटका लगता हुआ। स्कोर है 30 रन क्योंकि एक विकेट के नुकसान पर। भरत बन नहीं रहे, रन भर रहे यहां पर, क्या बढ़िया बल्लेबाजी। एक गेंद लॉन्ग रन की दिशा में खेला है, 1 रन तो आसानी के साथ मिलेगा, एक रन करना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 31 रन, यानी 31 रन हो चुके हैं। फिर से एक बार दौड़ना शुरू किया, एक गेंद थी बढ़िया गेंद थी लॉन्ग ऑन के ऊपर से चमचमाता हुआ सिक्सर, 6 रन। मुकाबला फास्ट करें, 2 ओवर में 37 रन हो चुके हैं, यानी अच्छी बल्लेबाजी। फैसल फिर फिरे, एक अच्छे बल्लेबाज, गेंदबाज का वैसे एक बार दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास क्या ये गेंद थी
देखना होगा। नो मैन सिलैंड में गिरती हुई गेंद, एक रन तो आसानी के साथ मिलेगा, देखना है दूसरा रन भी आसानी के साथ। टोटल 3 रन मिलेंगे, रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। साहिल है गेंदबाज, अपने घोड़े की जाने से पहली ओवर करेंगे, तीसरी ओवर करेंगे साहिल, देख रहा है कितने रन बटोर पाते हैं। ये गेंद थी, बढ़िया शॉट खेला, गेंद जाती हुई लेकिन कैच होने का खतरा, और इसी के साथ कैच आउट। चालीस रन हो चुके, सज्जा जो दही वाली कोण में मैचेस थे में 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए थे, तभी टू खुद पर मोर हेलो सहा चेडू 6 षटकार मारण्याचा विक्रम त्यांच्या नावे सज्जात ते मैदानाच्या आतमध्ये आले आहेत। नॉन स्ट्राईक एंडवरती असतील, परंतु आता स्ट्राईक एंडवरती आतिप आहे आणि आतिपला सुद्धा त्याच्या अंगीकृत असलेले कलागुण दाखवणं गरजेचं आहे। शेवटच्या 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, पहिली इनिंग मार्गस्थ आहे आणि अशा वेळेला साहिलचा हा चेंडू आतिपसाठी, ऑन साईडला चेंडू जातोय मैदानाला, घरंगळत आलाय जरूर, फिल्डिंग चांगली, फेकी खराब, अतिशय खराब, धावची संधी होती मिस होते आणि अशा प्रकारे फक्त 1 धाव काढून स्ट्राईक रोटेट सुद्धा होताना पाहायला मिळते। शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत, पुन्हा दोघे देणार बाकी, फिर एक बार एक अच्छे गेंदबाज साहिल, एक अच्छा आयोजन अल्फादे क्रिकेट क्लब केंद्रोली। मैं बात बता रहा था सज्जाद की, 6 गेंदों पे 6 सिक्सर लगाए थे दहवली कोण में, एक अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने, अब वो गेंदबाज थे मोरबा के। और ओवर थ्रो, ये क्या हो रहा है, ओवर थ्रो हुआ है, रन हो चुके, 45 रन हो चुके, आखिरी गेंद आना बाकी इस इनिंग के, आखिरी गेंद अगर भरत सर छक्का आएगा तो 51 होगा, चौका आएगा तो 49 होगा, 2 रन आएंगे 47 रन होगा, कितने रन आएंगे आखिरी गेंद पर देखना होगा, देखना होगा। गेंद जाती हुई होगा, गेंद सीमा रेखा पार, रन 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 51 रन, 52 रनों का टारगेट, यानी 18 गेंदे और 52 रन, भरत सर मैच बनेगी या नहीं, 18 गेंदे और 52 रन डीजे।
महार के साथ खेलेगी यूनाइटेड। महार फौरन मुकाबला चालू करें अंपायर, वक्त की कमी है लगभग। चार बीस बज चुके हैं, चार हो चुके हैं, 15 मिनट में मुकाबला होना चाहिए, 3 ओवर 15 मिनट में डालने चाहिए। 52 रनों का लक्ष्य है, 18 गेंदे 52 रन, मैच ऑन है। इससे पहले मैच देखा था अरसलान की, क्या फारी थी, काबिले तारीफ फारी। साहिल है स्ट्राइक गेंद पर, नॉन स्ट्राइक गेंद पर ये सलाम जोड़ी और गेंदबाज फैसल फिरफिरे, एक अच्छे गेंदबाज, एक बड़ा नाम है टेनिस बॉल क्रिकेट का फैसल फिरफिरे, एक अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ऑलराउंडर करते हैं। फिर से एक बार दौड़ना शुरू को पार किया, विकेट को पार किया, गेंद के लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, एक रन तो आसानी के साथ मिलेगा, एक ही रन से साहिल को संतोष करना पड़ेगा। एक रन से साहिल ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला, एक बड़ा मैच होगा। 17 गेंदे 51 रन, यानी 1 रन हो चुका है। फिर से एक बार दौड़ना शुरू किया अंपायर, एक गेंद थी बढ़िया गेंद थी, एक रन तो आसानी के साथ मिलेगा, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। आजर, एक आजर है, एक आक्रामक खिलाड़ी है, ग्राउंड पर उनके रिकॉर्ड बहुत है। आजर है, फारूक है, फारूक इस टीम में मौजूद आज। फिर से एक बार एक गेंद बल्ले का बाहरी किनारा और अंपायर का इशारा नो बॉल, अंपायर डिसीजन आखिरी डिसीजन, अंपायर का इशारा नो बॉल, नो बॉल से 2 रन आएंगे, स्कोर जा पहुंचा 4 रन। लाइनमैन का काम अंजाम करे अल्फादे के सभी बच्चे ऑफ साइड में। गेंदबाजी कर फैसल बिरबिरे, आजर एक ये भी टेनिस बॉल क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी है आजर, देखना होगा। एक गेंद दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, इस वाइड बॉल स्कोर जा पहुंचा है 5 रन के बिना विकेट के नुकसान पर। जब तक आजर है साहिल है कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर से एक बार दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया, विकेट को पार किया, गेंद की एक गेंद थी लेग की दिशा में खेला, 1 रन तो आसानी के साथ मिलेगा। अच्छा खराब कलेक्शन कीपर द्वारा, अगर यकीनन कीपर पकड़ दे तो 1 ही रन होता था, टोटल 2 रन मिले, 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 7 रन। पहली ओवर का खेल जा इस अल्फादे के क्रीड़ा नगरी पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। फिर से एक बार फैसल बिरबिरे, ये शॉट बढ़िया शॉट, कैच होने का खतरा, इसी के साथ आधर आउट, पहला झटका लगता हुआ। टूर्नामेंट अपने भेटी लाइल याच मैदानावरती, तोपर्यंत
आणि ती स्पर्धा लाईव्ह असेल. तोपर्यंत या मॅचकडे आपण वळतोय जिथे 52 धावांचा पाठलाग करत असताना पहिलं षटक फैसलचं. आतापर्यंत चेंडूचा खेळ झालाय, 4 धावाधावपळ करते आहे 4 चेंडूच्या समाप्ती तर 7-1 विकेट बाद झालाय. और अंपायर का इशारा नो बॉल, नो बॉल अंपायर का इशारा. टोटल 2 रन मिलेंगे. स्कोर है 9 रन. फैसल फिरफिरे, 18 गेंदे और 52 रनों का पीछा करने उतरी सलामी जोड़ी, लेकिन आजर आउट होकर डग आउट में आराम कर रहे. आजर की जगह अमल ने अवाब, आजर की जगह समल ने अवाब. अंपायर डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा, कमेंट न करे और मुकाबला फौरन चालू करे बिलाल. कमी है यहाँ पर, एक मिनट थांबवत है. पंचाने निर्णय दिला तो फाइनल असेल, विनाकारण जास्त आर्ग्यू करून मॅचला वाढवू नका. संघाला विनंती है कि आपण दिलेला निर्णय मान्य करा. ही मॅच संपल्यानंतर जो संघ यामध्ये जिंकणार आहे त्याची मॅच युनायटेड महाड या संघासमोर खेळली जाणार आहे. अंपायर डिसीजन आखिरी डिसीजन, जो अंपायर ने डिसीजन सही है. फौरन मैच चालू करें. अंपायर आपका डिसीजन वही डिसीजन होगा, चेंजिंग नहीं होगा. यस पंच, अंपायर्स नो बॉल आहे, अंतिम कॉल आहे. आपण आम्हाला 2 मॅच खेळवायचे आहेत. स्कोर आहे 9 रन. अंपायर डिसिजन आखरी डिसिजन. फौरन फिल्डिंग लगाले. अंपायर डिसीजन देंगे वही डिसीजन होगा, इसमें फेर बदल नहीं होगा. उन्हें एक बात देखने वाली बात होगी. 9 धावा धावपळ करते. चेंडूचा खेळ झाला आहे 4-2 चेंडूचा खेळाने शिल्लक आहे आणि 2 बॉलसाठी त्यांना बॉलर चेंज करावा लागतोय. गेंदबाज चेंज होगा, इसका कारण एक है कि 2 बीमार आ चुके हैं. आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष है. 9 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं. एक अजर जैसे खिलाड़ी पेवेलियन की ओर आ चुके हैं और इसी मुसीबत के चलते सामने और भी चेंज हो चुका है. इसका मतलब इस मैच में मोमेंटम में बदलाव जरूर आने वाला है. देखने वाली बात होगी इस मौके का फायदा किस तरह से उठाया जाता है. ठीक है सर. स्कोर है 9 रन. अंतिम 2 गेंदे बाकी है. साहिल है स्ट्राइक गेंद पर. जब तक साहिल है ना भरत सर, जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता. ये बड़ा किलारे फुल टॉस गेंद थी, मिस किया. वहां पर देखना होगा गेंद जाती हुई 1 रन द्वारा देने के साथ और गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए. 4 एक गेंदी लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है. 1 रन तो आसानी के साथ मिलेगा, देखना होगा. 1 ही रन से संतोष करना पड़े. 1 रन जा पहुंचा है 14 रन, यानी पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन. 12 गेंदे और 38 रन.
मुकाबला फास्ट करें अंपायर के 12 गेंदे 38 रन, दो मुकाबले और खिलाने, सेमीफाइनल खिलाने, क्वार्टर फाइनल खिलानी है, खिलानी है। 12 गेंदे 38 रन, एक ओवर 12, किसको टारगेट करेंगे? जव्वाद को। बारह गेंदे 38 रन, मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। गेंद सीधे सीमा रेखा पार, षटकार, 6 रन, साहिल ब्रांड षटकार। थैंक यू डीजे। अब 11 गेंदे 32 रन, जब तक साहिल है ना भरत सर, जब तक साहिल क्रीज पे है ना कुछ कहा नहीं जा सकता। 11 गेंदे 32 रन, मुकाबला जीतने के लिए हेलीकॉप्टर शॉट खेलना, लॉन्ग रन की दिशा में देखना होगा के गया है। एक बड़ा, दो बड़े शॉट, मैच में वापसी हो जाएगी और मैच में हो गई है वापसी। 58 रन, फिर से एक बार देखना होगा गेंद जाती हुई, एक रन तो आसानी के साथ मिलेगा, देखना होगा। चार रन मिलेंगे, स्कोर जा पहुंचा 28 रन। एक कितनी बाजी रही? 9 गेंदे 24 रन, लॉन्ग रन की चमक खेला, एक रन तो आसानी के साथ देखना होगा और यहां पर रन आउट होने का खतरा और इसी के साथ देखना होगा। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा, जोरदार अपील, अंपायर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश वहां पर, अंपायर डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा। 8 गेंदे 23 रन, मुकाबला जीतने के लिए मुकाबला ऑन है, अंपायर डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा। जोरदार अपील, अंपायर डिसीजन आखिरी डिसीजन, दोनों अंपायर बाहर से मंगाए हुए, बिलाल इसाने। अंपायर जो वही फाइनल डिसीजन होगा। स्क्वेअर लेग पंचांचा निर्णय जो येईल तो फायनल असेल, कोणत्याही प्रकारे त्याच्यावरती हुज्जत घालू नका। सिस्टमवरती कोणत्याही प्रकारे चेक केला जाणार नाही हे सुद्धा लक्षात ठेवा। ऑफिशियल पंच तुम्हाला सुद्धा सांगण्यात येत आहे सिस्टमवरती कोणत्याही प्रकारे सिंगल कॅमेरा असल्याकारणाने कोणती गोष्ट चेक होणार नाही, कारण सिंगल कॅमेरामध्ये जे दिसतं ते असतं असंच नाही, तुम्हाला व्ह्यू जर हवा असेल तर त्याच्या 3 ते 4 कॅमेरे किंवा 2 ते 3 कॅमेरे असणं गरजेचे असतात। ते सिंगल कॅमेरा आहे त्यामुळे तुम्हाला रिव्ह्यू चेक करता येणार नाही, कोणत्या प्रकारचा स्पर्श सुद्धा चेक करता येणार नाही आहे। फिल्डिंग करणारा संघ किंवा बॅटिंग करणारा संघ तुम्हाला सुद्धा विनंती आहे, पंचाने जो निर्णय असेल किंवा पंच जो निर्णय देतील तो तुम्हाला मान्य करावा लागेल। हॅलो, अंपायर डिसिजन आखरी डिसिजन, दोन अंपायर भारत से मंगाए हुए, बिलाल इसाने।
याचा अंपायरला कसा बोलू शकते हो? अंपायरला कसा बोलू शकता असा? हे काय करतोय तो अंपायर डिसिजन आखरी डिसिजन? प्लीज कोई भी इस तरह का व्यवहार ना करे अंपायर से। प्लीज फील्डिंग करने की टीम आपसे निवेदन है, आप जल्द से जल्द फील्ड आ जाइए। इस तरह का विधानों को आप दर्ज। पंचांचा निर्णय फाइनल है, कुणी आर्ग्यू करू नका, इथे बोलायचं नाहीये। चला प्लीज मागे वा फील्डिंग करणारा संघ, आपण कोणत्या प्रकारची उज्जत घालू नका। पंचाने दिलेला निर्णय फाइनल आहे, कोणत्या प्रकारचा मोबाईल वरती चेक सुद्धा करू नका। आणि जरासं भाष्य करत असताना विचारपूर्वक करा प्लीज। आपण खेळाडू आहात, खेळाडूने खेळाडूप्रमाणे राहावं, पंचांना हा देवाचा दर्जा असतो। दुसरी गोष्ट अशी आहे, मोबाईलमध्ये कितीही कुणीही चेक करा, मी अजूनही तुम्हाला तेच सांगतोय, कितीही मोठ्या पटलावरती गेला तुमच्याकडे सिंगल कॅमेरा असेल, तुम्ही कोणत्याही प्रकारे सांगू शकत नाही की तो एक्झॅक्टली बरोबर सांगितलंय। चला मॅच चालू करा लवकर, पंच सामना चालू करा। 8 चेंडू 23 धावांची गरज आहे। मॅच अजूनपर्यंत ऑन आहे, सामना लवकरच चालू करा पंच। बघा पंच हा कोणता म्हणजे देव वरून आलेला देव नाही आहे किंवा अजून कोण नाही आहे, त्यामुळे पंचांकडून जो दिलेला निर्णय तो मान्य का करायचा असतो, कारण तो सुद्धा एक माणूस आहे। निर्णय होता लांबून सर्वांनी सुद्धा बघितलं, अगदी क्लोज काउंटर आहे, तुमच्या बाजूने येईल किंवा तुमच्या विरुद्ध दिशेने जाईल, हा वेगळा पार्ट असतो। ऍज अ प्लेयर म्हणून आपण खेळाडू विरुद्ध दाखवणं गरजेचे असते। 8 गेंदे 23 रन मुकाबला जीतने गेले। और अच्छी गेंद, क्या बढ़िया गेंदबाजी, 7 गेंदे 23 रन अंतिम गेंद है। ये छक्का आएगा तो 17 आएंगे, चौका आएगा। 7 गेंद 23 रन, क्या होगा इस मैच का भरत सर? 8 गेंदे 23 रन की जरूरत, 7 गेंदे 23 है, अभी मैच बहुत ही बड़ा है और इस फासले को बनाए रखा ये सबसे बड़ी बात है मांजरों ने खेले। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, गेंद जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन के ऊपर, काफ़ी अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन क्षेत्र में होती हुई और 2 रन नहीं, खाली 1 ही रन दौड़ के पूरा किया। 1 रन के साथ अगर देखा जाए तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की हम बात करें तो 30 रन पर जाके स्कोर ये पहुंचा है। आने वाली गेंद शेष है 6 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। स्कोर की अगर हम बात करें तो शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, गेंद के ऊपर 6 आया था, उसके बाद वाली 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्रीज लगी थी, लेकिन उसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो बहुत ही खराब। उन 3 गेंदों में से 1 गेंद भी अगर बड़ी बन जाती तो भी ये मैच में थोड़ा सा ऊपर आने की कतार पर रहते काकरतला टीम। बट अभी अगर देखा जाए 6 गेंदे और 22 रन, ये इक्वेशन कुछ बड़ा है, ये फासला कुछ बड़ा है और इस बड़े फासले को मिटाने के लिए बड़े लेवल का क्रिकेट खेलना पड़ेगा, बड़े लेवल के शॉट लगाने पड़ेंगे, तब जाके इस मैच में जान झोंक सकती है टीम काकरतला की। लेकिन पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच जिन्होंने लिया था वो खिलाड़ी इस बार स्ट्राइक गेंद के ऊपर है, मतलब उनका भी जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा अप है और अप रहने वाले कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से जताना होगा बीच मैदान के ऊपर। देखना होगा किस तरह से बैटिंग होती है 6-22 में इस बल्लेबाज की तरफ से और दूसरी तरफ से गेंदबाज की तरफ से किस तरह से बाजी होती है कैप के जानिब से, ये भी देखने वाली बात होगी। 6 गेंदे 22 रन, एक बड़ा शॉट आया, गेंद देखना होगा नो मैन्स एरिया में गिरती है नहीं, कैच होने का खतरा और इसी के साथ बढ़िया कैच। 5 गेंदे 22 रन, मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हेलो, हेलो 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 चेक हेलो। 5 गेंदे 22 रन, मुकाबला रुकता है ना इसीलिए बल्लेबाज का माइंड चेंज होता है। बरस सर बार बार इधर मुकाबला रुक रहा है, छक्का लगाने के बाद
मुकाबला रुक रहा है। 5 गेंदे 22 रन, अच्छा शॉट खेला ऑन साइड में, 1 रन तो आसानी के साथ मिस फील्डिंग, वहां पर गेंद से मारे का पार, 4 रन। पार पार, हेलो हेलो, दोन वरती समाधान मानावं लागलं, स्ट्राइक रोटेट झाली आहे, आता सामना येऊन थांबलाय 2-10। जरी इथे सामना 2-12 असता किंवा ज्या प्रकारे या मॅच मध्ये षटकार लगावला होता बिलानने, त्या षटकारला पाहता या 2 चेंडूवरती कदाचित त्यांनी षटकार मारल्याचा। आता नॉन स्ट्राइक एंडचा फलंदाज येतोय, तो स्ट्राइक एंडवरती येईल। 2 चेंडू 12 धावांची 10 धावांची गरज आहे। 2-12 जरी असते तरी सुद्धा 2 षटकार होते, 2-10 जरी आले तरी सुद्धा 2 षटकार आहेत, कारण कंपल्सरी चेस या स्पर्धेचा नियम आहे। त्यामुळे कोणतीही धाव घेण्याचा हा जो प्रयत्न, युनायटेड महाडचा कॅप्टन प्लीज टॉस का बॉल जवळ थांबा, आणि इथे जिंकणारा कॅप्टन त्याने लगेच टॉस साठी यायचंय। पुढील चेंडू मोठा फटका, चेंडू तितकासा चांगल्या प्रकारे बॅटवर आला नाही, सिंगल, कोणती धाव नाही। आता मात्र या मॅच मध्ये औपचारिकता शिल्लक आहे, 1 चेंडू आणि 9 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी। या वेळेला एखादा नो बॉल पलटवार आणेल आणि तो षटकार येईल का यावरती नजर असणार आहे। तर क्वार्टर फायनलचा सामना होणार आहे 2 संघांदरम्यान, येथील विजेता संघ आणि युनायटेड महाड संघ। यावेळेला चेंडू बॅटवरती आला नाही, विकेटचं पतन, सामना जिंकलाय टीम मांजरुणा या संघाने। चला कॅप्टन लवकर या, हॅलो मांजरुणा कॅप्टन इथे यायचे, हॅलो